बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाँच मरले का डबल स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत शानदार न्यू ब्रांडेड और कॉर्नर घर, जो कि रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी VIP एफिलेशन में वाक़ है। तो ये आप इस घर का फ्रंट देख रहे होंगे, इसका काफ़ी बड़ा फ्रंट है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है। तो ये इसकी साइड वाली गली है, इसकी फ्रंट और साइड वाली दोनों गलियां जो हैं वो 30-30 फुट की गलियां हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये कॉर्नर घर है और काफ़ी खूबसूरत ये घर बना हुआ है। और आम जो पांच मरले का होता है, 25-50 का प्लाट होता है जिस पे ये घर बना होता है, उससे ज़रा ये मुख्तलिफ है। इसका नक्शा चेंज है, इसका फ्रंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसकी प्लाट की आप पैमाइश करें तो ये भी 1250 फुट यानी पांच मरले बनता है, 250 फुट फी मरला के हिसाब से। लेकिन प्लाट का साइज़ थोड़ा चेंज है तो इसलिए घर का नक्शा भी चेंज है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये कॉर्नर घर है, ये हम अभी घर में इंटर हो चुके हैं। ये इसका कारपोर्च है और मेरे राइट साइड पर इसकी गैलरी है, और ये सामने ड्राइंग रूम का डोर है, और ये सामने जो आपका अप डोर नज़र आ रहा है ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से ये स्टेयर्स जो हैं वो दूसरे पोर्शन पे जा रही हैं। तो आइए अब मेन एंट्रेंस के ज़रिए घर के अंदर चलते हैं। तो ये कारपोर्च से हम मेन एंट्रेंस से अंदर आ चुके हैं। ये इस वक्त हम खड़े हैं TV लॉन्च और ओपन किचन में। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ये आगे अगर आप देखते हैं तो ओपन किचन है और ये TV लॉन्च है, और मेरे राइट साइड पे इसके बेडरूम्स हैं। तो ये TV लॉन्च की सीलिंग आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी खूबसूरत किस्म की सीलिंग हुई है, और कॉर्नर होने की वजह से इसमें विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, जिस वजह से हर तरफ से इस घर में रोशनी आती है। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे, ये एक विंडो लगी हुई है एयर वेंटिलेशन रोशनी के लिए मेन फ्रंट वाली गली की तरफ, और ये आगे फिर एक दूसरी विंडो लगी हुई है। तो ये ओपन किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है, लंबाई में ये बना हुआ है। ये किचन कैबिनेट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो व्यूअर्स, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी VIP एफिलेशन की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। पुराना इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है उससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़ है, और एयरपोर्ट रोड से तकरीबन 0.5 से 1.25 किलोमीटर के फासले पर है। ये इसका किचन था। ये अब हम सामने इसका बिल्कुल टक्कर पे बेडरूम है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने विंडो लगी हुई है और इसमें से ही रास्ता है बाहर, गैलरी है। ये दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ है और नीचे फ्लोर पे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं, काफ़ी शाइनिंग किस्म की ये टाइल्स हैं। ये सामने जो विंडो है यहाँ से बाहर गैलरी है, आप गैलरी में जा सकते हैं। और ये इस बेडरूम में अलमारी बनी हुई है। तो व्यूअर्स, इसमें भी टोटल 4 बेडरूम है, चारों अटैच बाथ हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं, 2 ही TV लॉन्च हैं, 2 ही किचन है। तो ये इस बेड के साथ अटैच बाथ है, काफ़ी बड़ा ये बाथ बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें हाफ दीवारों तक टाइल्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे बाथ टब लगा हुआ है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, और वाश बेसन भी लगा हुआ है। तो ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ था, ये दीवारों पे वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। तो आइए, एक बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया है, अब वापस चलते हैं। जैसे ही मैन इंटर से अंदर आए थे तो राइट साइड पे ड्राइंग रूम का डोर था, एक अंदर डोर था, एक बाहर था, और आगे आके राइट साइड पे दूसरा पहला बेडरूम था, दूसरा और एक बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया है। ये दूसरा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे छत पर सीलिंग हुई, और दीवार पर एक दीवार पर वाल पेपर लगा हुआ है, नीचे टाइल्स लगी हुई हैं वही, और ये सामने कवर्स बनी हुई है इसकी, और इस पर भी विंडो लगी हुई है। यहाँ पे भी एक छोटी सी गैलरी दी हुई है इन्होंने, ये एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए इस बेडरूम के साथ। ये आप देख रहे होंगे ये गैलरी है, यहाँ पे वॉशरूम की जो एग्जास्ट है वो भी इसी गैलरी में और इस बेडरूम का। तो ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है, यहाँ पे इंडियन सीट लगी हुई है, दूसरे में इंग्लिश सीट लगी हुई थी। तो पांच मरले पे ये डबल स्टोरी घर बना हुआ है, 4 ही बेडरूम है इसमें, अटैच बाथ हैं,
तो ये दो बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए, ये अंदर से जो डोर है ड्राइंग रूम का, वहाँ से हम ड्राइंग रूम में एंटर हो रहे हैं। इसका ड्राइंग रूम सेपरेट है, किचन ओपन है लेकिन ड्राइंग रूम इसका सेपरेट है। तो ये ड्राइंग रूम की सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके साथ अटैच बाथ का डोर है, जो दूसरे बेडरूम का बाथ था उसी में से ये डबल डोर, ये बाथ है, ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच है और बेडरूम के साथ भी। तो ये विंडो लगी हुई है मेरे लेफ्ट साइड पे, आपने देखी थी, ये फ्रंट गैलरी की तरफ खुलती है। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का पोर्शन आपको दिखा देते हैं, वो भी सेम इसी तरह बना हुआ है, सिर्फ थोड़ी सीलिंग और डिज़ाइनिंग में फ़र्क है। तो ये हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ये विंडो आपको नज़र आ रही होगी एयर वेंटिलेशन रोशनी के लिए। तो ये हम अभी ऊपर आ चुके हैं दूसरे पोर्शन में, ये मैं आपको उसका दूसरा पोर्शन दिखा रहा हूँ। ये हम उसके टेरेस पे खड़े हुए हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे स्टेज ऊपर जा रही है, बिल्कुल मेरे सामने ड्राइंग रूम का डोर है और लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस है घर की, और ये फ्रंट वाली जो साइड वाली गली है उसकी ये गली गैलरी भरी हुई है, टेरेस भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो आइए अब जो राइट साइड पे ड्राइंग रूम बना हुआ है उसमें से घर के अंदर इंटर होते हैं। तो ये हम अभी इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है, न्यू डिज़ाइन का है, काफ़ी खूबसूरत ये घर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जहाँ पे घर मौजूद है इसके बिल्कुल साथ ही बाहर सारा कमर्शियल एरिया है, यानी जस्ट 10 से 12 कदम होंगे, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल नज़दीक ही सामने आपको कमर्शियल एरिया जो है वो नज़र आ जाएगा, वो मैं आपको छत से भी दिखा दूंगा, बिल्कुल साथ ही है कमर्शियल एरिया। तो ये हम अभी ऊपर आ चुके हैं, ये ऊपर मैं ड्राइंग रूम आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्राइंग रूम का ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ है, काफ़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं। और ये इसका दूसरा जो डोर है वो बेडरूम की तरफ से है, यानी एक बाथ बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों में यूज़ हो रहा है। तो ये हम अभी इसके टीवी लाउंज में आ चुके हैं, ये सामने आपको किचन नज़र आ रहा होगा मेरे लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे बेडरूम है इसका, और बिल्कुल सामने टक्कर पे भी एक बेडरूम है। तो ये सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे टीवी लाउंज और किचन की, तो यहाँ पे भी दो विंडोज़ लगी हुई हैं, एक ये आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो फ्रंट रोड की तरफ है, और ये आगे जाके किचन में भी एक विंडो लगी हुई है, ये दूसरी विंडो है यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे, तो दो विंडोज़ हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं, आगे मैं जाके आपको बेडरूम दिखा देता हूँ, जो टक्कर पे एक बेडरूम है और एक राइट साइड पे बेडरूम है। तो यही सेम नक्शा नीचे बना हुआ है, यही नक्शा सेम ऊपर बना हुआ है। तो व्यूअर्स अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, गैस की अप्लीकेशन आनर ने जमा करवाई हुई है और उसका डिमांड नोटिस भी जमा हुआ है, यानी जस्ट 15-20 दिन में इसका मीटर लग जाएगा। तो पानी यहाँ पे आपको ख़ुद ही बोर करवाना पड़ेगा, यहाँ पे बोर नहीं हुआ है। ये हम सामने वाले बेडरूम में आ चुके हैं, यहाँ ये आपको खिड़की नज़र आ रही होगी, इसी विंडो से बाहर रास्ता है, बाहर टेरेस है छोटा सा एक, और ये इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ है, यहाँ पे भी ये आप देख रहे होंगे बाथ टब लगा हुआ है और इंग्लिश सीट लगी हुई है, काफ़ी बड़ा ये वॉशरूम है। तो व्यूअर्स आइए अब आगे चलते हैं, ऊपर का ऊपर वाले पोर्शन में आपको मैंने एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम दिखा दिया, अब ये दूसरा बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सामने यहाँ पे भी दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ है और सामने विंडो राइट साइड पे लगी हुई है, जो कि एक छोटी सी गैलरी बनी है एयर वेंटिलेशन रोशनी के लिए, उसकी तरफ जा रही है, साथ ही बाथ का डोर बना लगा हुआ है, और ये कवर्स भी आप देख रहे होंगे इस बेडरूम के साथ। तो व्यूवर्स अगर अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे लाजमी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को बरवक्त मिलता रहे। तो ये दोनों पोर्शन मैंने आपको दिखा दिए, आइए अब छत पर चलते हैं, छत से मैं आपको एरिए का व्यू भी दिखा देता हूँ। तो आनर की जो डिमांड है इस घर की वो भी मैं आपको बताता हूँ, 5 मरले पे ये डबल स्टोरी कॉर्नर घर और बिल्कुल बाज़ार के साथ है। तो आनर की जो डिमांड है 1 करोड़ 5 लाख है, बहुत ही रीज़नेबल इसकी डिमांड है,
बाकी नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये घर विज़िट करना है तो आपको विज़िट भी करा देंगे, और अगर ऑनर से आप डील करना चाहें तो आपकी डील भी करवा देंगे। तो यहाँ पे ये छत पे आप देख रहे होंगे, नीचे फर्श पे चिप्स पड़ी हुई और इस घर की चारदीवारी हुई है। तो इसकी जो यहाँ पे रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन अगर आप दोनों पोर्शन रेंट पे देते हैं तो कम से कम इसका 36,000 रेंट आता है, दोनों पोर्शनों का 35-36 हज़ार इसका रेंट बनता है, रेंटल वैल्यू है इसकी। यहाँ पे जगह तकरीबन 10 लाख रुपया मरला है, 9-10 लाख रुपया मरला है यहाँ पे जगह का रेट है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे गुंजान आबाद ये इलाका है रावलपिंडी का, और बिल्कुल इस्लामाबाद जो पुराना इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके नज़दीक वाक़ है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।